कांग्रेस कह रही है, कहाँ से छीन लेगी, जब कभी आते नहीं ना, उन्होंने कोई काम किया, सांसद निधि का पैसा भी उनका रिटर्न हो जाता है, तो कहाँ से सीट ले लेंगे। काम तो स्मृति ईरानी ने किया ही है, प्रेजेंट की सरकार है ही है, अब काम तो चल ही रहा है, उनका दौरा भी चल रहा है, पब्लिक का झुकाव भी है, ऐसा नहीं है। जनता वो बीजेपी की तरफ देख रही है, जो विकास कार्य हो रहे हैं भाजपा सरकार से उसी तरफ निगाह सके। योगी जी का तो प्रभाव है ही है, योगी मोदी के पूरे देश में चल रहा है प्रभाव, तो अमेठी की बेइज्जती है, अमेठी की बेइज्जती है, नौकर को बेच के चुनाव लड़ाया जा रहा है, बेइज्जती नहीं है। अब इस यहाँ तो इस समय तो वही भाजपा में ही है, 15 साल सांसद थे, उसके बाद हारने के बाद आना तो चाहिए अमेठी में ना, कभी अमेठी में आए नहीं, आज भी अमेठी नहीं आए। मान लीजिए अमेठी कांग्रेस की गढ़ थी, लेकिन आना तो चाहिए ना, आप 15 साल थे, 15 साल के बाद हारने के बाद जब गए आप तो वापस नहीं आए, आज तक नहीं आए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। तो लगातार देश भर की नज़रें कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर है, जिसमें से एक सीट है अमेठी। इस वक्त मैं अमेठी में मौजूद हूँ और अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ही लगते थोरा गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ, क्योंकि जितना जो है शहरी मतदाता जो है ज़रूरी है, उतना ही गांव का मतदाता भी ज़रूरी है और हाई प्रोफाइल सीट है। हालांकि राहुल गांधी अब जो है यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार KL शर्मा को भेजा गया, उस बारे में भी बात करेंगे। KL शर्मा जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर भी रायबरेली में, क्योंकि जो है सांसद प्रतिनिधि वो रहे सोनिया गांधी के, उस समय कई आरोप लगे किसानों की जगह लेकर के, उनको ना मुआवजा मिला ना ट्रांसपोर्ट हब बना, कई सारी चीज़ें चल रही हैं। आइए यहाँ की जनता से बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? दिनेश सिंह नाम है। दिनेश सिंह जी, बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि अमेठी की सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं है, तो क्या है, जनता इस बारे में क्या बात कर रही है? जनता वो बीजेपी की तरफ देख रही है, जो विकास कार्य हो रहे हैं भाजपा सरकार से उसी तरफ निगाह सके। समृद्धि जी ने विकास काम किए हैं? जी जी जी, बहुत किए हैं। तो KL शर्मा को भेजा गया अब यहाँ चुनाव लड़ने, तो अमेठी की बेइज्जती है, अमेठी की बेइज्जती, बेइज्जती है, नौकर को बेच के चुनाव लड़ाया जा रहा है, बेइज्जती नहीं है। उन पर भी कई सारे आरोप लगे कि सही है, लगे हैं, पहले लगे हैं, वो कांग्रेस ही लगाए हैं, जनता लगा रही थी, वो तो सही बात है। और जो कहा गया उनके बारे में कि कोई कंबल की बात करता है, कोई कहता है कि किसानों की जगह ले ली उन्होंने, फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट हब नहीं बना रहे। हाँ ये तो सही है, लेकिन भाई कंबल का तो हम बता नहीं सकते, वो तो उन्हीं के बारे में बताएंगे क्या हुआ। लेकिन किसानों की जमीन वाली बात है तो सही है, चल रहा था, सत्य है। तो उसका प्रभाव अमेठी में है, जनता जानती है इस बारे में, क्या इस हिसाब से वोट करेगी? बिल्कुल जान रही, जनता जान रही, जनता तो अमेठी के बच्चा राजनीति करता है, उसको सब जानकारी रहती है। तो प्रियंका गांधी आई यहाँ पर लगातार, वो अब मोर्चा संभाले हुए हैं, वो कह रहे हैं दोनों सीटें हार रही है बीजेपी, अमेठी भी, दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है, अमेठी भी, रायबरेली भी। उनके भाई वो एक बार आई तो बार बार आती रही हैं प्रियंका, कोई नए तो आई नहीं है। सोनिया जी के साथ आती थी, राहुल जी के साथ आती थी, आज KL शर्मा के साथ आ रही हैं, तो कोई नया तो है नहीं। अच्छा, और हमने देखा योगी जी भी दो बार आए, तूफानी दौरा योगी जी का भी चला, तो योगी जी का क्या प्रभाव है? योगी जी का तो प्रभाव है ही है, योगी मोदी के पूरे देश में चल रहा है प्रभाव। तो अमेठी में भी अछूता रहेगा नहीं उनसे। तो यहाँ पर भी योगी, योगी मोदी दोनों फ्राई ब्रांड नेता है हमारे, दोनों का तेज है, उनके प्रभाव से भी यहाँ, उनका प्रभाव बहुत है, बाबा जी का प्रभाव, बाबा जी का बिल्कुल प्रभाव है। अच्छा, और भी लोग हैं गाँव के, उनसे बात करेंगे। सर एक सेकेंड यहाँ आ जाइए, एक सेकेंड यहाँ आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? संतोष पांडे। संतोष जी इसी गांव के हैं? नहीं सर, हम तो इस गांव के नहीं हैं, मतलब यही आसपास के। जी जी जी, अमेठी के ही हैं, अमेठी लोकसभा। जी जी जी, क्षेत्र। तो देश जानना चाह रहा है, हाई प्रोफाइल सीट है, बहुत समय बाद राहुल गांधी नहीं है यहाँ से चुनावी मैदान में, तो जनता कैसे देख रही है इस चीज़ को? अब इस यहाँ तो इस समय तो वही भाजपा में ही है, भाजपा में। तो अगर राहुल गांधी होते चुनावी मैदान में कोई असर नहीं पड़ता? कोई असर नहीं पड़ता, 15 साल सांसद रहे, 15 साल सांसद थे, उसके बाद हारने के बाद आना तो चाहिए अमेठी में ना, कभी अमेठी में आए नहीं, आज भी अमेठी नहीं आए, अभी भी नहीं आए, नहीं आए, तो कैसे होगा फिर? वो कह रहे हैं KL शर्मा जो भेजा है, परिवार के ही हैं हमारे सदस्य। अरे वो तो ठीक है, उनके परिवार के हैं, परिवार क्यों है भाई, गांधी परिवार से कहाँ बिलोंग करते हैं भाई, कहाँ बिलोंग करते हैं, गांधी परिवार से तो है नहीं, तो खड़ा कर दिया गया उनको, ऐसे थोड़ी वोट मिल जाएगा भाई। प्रियंका गांधी तो कह के गई कल की दोनों सीटें जीतने हैं, KL शर्मा भी, इन्हें से थोड़ी होता है, काम करने से होता है ना। अब आना तो चाहिए ना, उन्होंने कभी आया है ना, आना चाहिए, पहले समस्या सुननी चाहिए जनता की। मान लीजिए अमेठी कांग्रेस की गढ़ थी, लेकिन आना तो चाहिए ना, आप 15 साल थे, 15 साल के बाद हारने के बाद जब गए आप तो वापस नहीं आए, आज तक नहीं आए, आप रायबरेली हैं, यहाँ क्यों नहीं आए भाई?
यही सवाल तो देश जानना चाह रहा है। यही तो दिक्कत वही है। अच्छा ये बताइए साथ में, केएल शर्मा जो चुनावी मैदान में है, उनके चुनाव में उतरते ही कई सारे संगीन आरोप रायबरेली के किसानों ने लगाए, वहां पर क्योंकि सांसद प्रतिनिधि थे सोनिया गांधी के, कि ट्रांसपोर्ट हब इनको बनाना था, जगह ले ली, मुआवजा भी नहीं दिया और ना ट्रांसपोर्ट हब बना, तो वो चीज़ यहाँ भी लोग देख रहे हैं, वो सब चीज़ें केएल शर्मा पर आरोप लग रहे हैं। इसका असर तो रायबरेली में भी पड़ेगा ना, रायबरेली में भी पड़ेगा 100%। यहाँ अमेठी में भी, अमेठी में तो पड़ ही रहा है, पड़ ही रहा जी। कोई उनकी कंबल की भी बातें निकलती हैं पुरानी, केएल शर्मा जी की? अब पुरानी बातें तो हम नहीं जा सकते, तो वैसे मतलब टक्कर नहीं दे पाएंगे वो स्मृति ईरानी को, अब मुश्किल है, मुश्किल है। और योगी जी भी तूफानी दौरा किया यहाँ, योगी जी का कैसा? हाँ योगी का तो असर पड़ेगा ही, आने से तो असर पड़ेगा ही, प्रेजेंट की सरकार है तो असर नहीं पड़ेगा। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह जी, तो मतलब योगी जी का कैसे देखते हैं आप, उनका भी काम यहाँ पर? हाँ उनका काम भी अच्छा है, हाँ। जो नई नई योजनाएं ला रहे हैं और दौरा भी कर रहे हैं, हाँ। और सबको एक नज़र से देख रहे हैं, ये तो है नहीं इन की जो है मतलब जात पात की लड़ाई वो कर रहे हैं, वो तो देश के लिए मर रहे हैं। स्मृति ईरानी का कैसा है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है अब छीन लेंगे वापस ये सीट, हम 2019 में हार गए थे, इस बार छीन लेंगे वापस जी, कांग्रेस कह रही है? कांग्रेस कह रही है, हाँ। कहाँ से छीन लेगी, हाँ। जब कभी आते नहीं, हाँ। ना उन्होंने कोई काम किया, हाँ। सांसद निधि का पैसा भी उनका रिटर्न हो जाता है, हाँ। तो कहाँ से सीट ले लेंगे, हाँ। उन्होंने तो गढ़ बताया ना इसको कि हम हमेशा से जीतते, कहने से गढ़ हो जाएगा, वो पूर्वज हमारे पूर्वज ने बहुत अच्छा काम किया, हमने कोई काम ही नहीं किया तो लोग हमारे पूर्वज का बखान करेंगे कि हमारा बखान करेंगे, आप बताइए। बात तो उन्हीं की करते हैं कि उन्होंने शहादत दे दी, सब कर लिया। अब उनके पिताजी ने अमेठी को गढ़ बनाया था, हाँ। उनका बनाया कुछ नहीं है, हाँ। न बनाया है न बनाएंगे वो। अब ये जो केएल शर्मा को भेजा गया, केएल शर्मा के विषय में तो हम ज्यादा नहीं जानते हैं, जानते नहीं उनको, नाम सुना है कि वो राजीव जी के पीआरओ है, हाँ। लेकिन उनके काम के विषय में अभी हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, बिल्कुल। आरोप भी उन पर लगे हैं कि रायबरेली में सांसद प्रतिनिधि थे, किसानों से जगह ले ली, ना ट्रांसपोर्ट हब बना, ना कुछ बना, क्योंकि सोनिया गांधी तो आई नहीं रायबरेली जी जी, तो ये आरोप लगे हैं उन पर, किसानों ने लगाया? हाँ लगाया है सर, लेकिन हम उनके विषय में ज्यादा जानते नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया, हाँ। और बाकी क्या है फिर यहाँ मूड, कौन जीत रहा है? अब जीतने की बात रही तो काम तो स्मृति ईरानी ने किया ही है, प्रेजेंट की सरकार है ही है, अब काम तो चल ही रहा है, उनका दौरा भी चल रहा है, पब्लिक का झुकाव भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की जो रैलीज में हमने सुना, उन्होंने कहा कि जितना राहुल गांधी 15 साल में नहीं आए या बाकी इनके जो परिवार के सदस्य इतने साल में नहीं आए, उतना 5 साल में 10 साल में स्मृति ईरानी आती रही। तो यहाँ की निवासी हो गई है, निवासी हो गई है, इनका दौरा भी चल रहा है, काम भी किया है, जनता से मिलती भी हैं, ऐसा नहीं है, इनके साथ कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, लोग भी जुड़े हैं, लोग भी जुड़े हुए हैं। आप कैसे कहेंगे, 3 बार पास हुए, 1 बार फेल हुए, राहुल गांधी छोड़ दिया उन्होंने अमेठी? हाँ सर अमेठी तो उन्होंने छोड़ दिया, कभी आते भी नहीं है, हाँ। अरे आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रयास तो करना ही चाहिए, जनता के बीच में खड़ा उतरना चाहिए, आप आइए जनता से मिलिए भाई, पूछिए कि हम क्या ऐसा काम किए कि आप लोग नाराज हो गए, लोगों से मिलना चाहिए इनको। ये शिकायत है लोगों की राहुल गांधी से? हाँ ये तो शिकायत है, जो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, आते हैं यहाँ हिला के चले जाते हैं, ये कोई बात है? आप बताइए, अरे जनता के बीच में आइए, जनता का दुख सुख जानिए, और उसके बाद में जो आपसे हो सके आप सहयोग कीजिए, लेकिन जनता के बीच में कभी आते ही नहीं, बस हाथ हिला के गाड़ी पे ऐसे चले जाते हैं, ये कोई मतलब है? इसी ये भी एक कारण है कि 19 में हार हुई थी, हाँ जी यही एक कारण है जो भाई साहब बोल रहे हैं, यही कारण है, सीख नहीं ली फिर भी 5 साल नहीं आए, हाँ। तो गड़बड़ हो सकता है मामला, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता हो सकता, हो सकता। केएल शर्मा पर अभी बड़े संगीन आरोप लगे हैं जो आए, जो उनके बाद हम नहीं जानते हैं सर, बाकी उनके बारे में नहीं जानते, केएल शर्मा के बारे में आप जानते हैं? केएल शर्मा भी नहीं जानते हैं, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, आगे आ जाइए, पता लग सकता है? नहीं जानते आप? नहीं जानते हैं। किसको जिता रहे हैं आप? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को जिता रहे हैं। आए नहीं 5 साल वो अलग की बात है, नहीं आए, लेकिन यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन चाहते हैं आप यहाँ पर, ये तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। अब वो उनका विचार है ना, अब उनके विचार को हम थोड़ी बदल पाएंगे, इनको तो खुद ही नहीं मालूम था कि मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, हाँ इनको नहीं मालूम था, इनको तो काठ का उल्लू खड़ा किया गया है, और क्या, राहुल जी क्यों यहाँ से भाग गए?
सवाल तो यही है, अगर उनका है तो भगे क्यों? उनको यहाँ आना चाहिए, पब्लिक के बीच में होना चाहिए, पब्लिक का दुख सुख जानना चाहिए, कारण क्या हुआ हम यहाँ से चुनाव हार गए, इनको यहाँ खड़ा होना चाहिए।